ये जो वीडियो बनाया है इसके पीछे का कारण है लोगों को जागरूक करना। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची। थोड़ा छिड़ाने लग जाती है कि लड़कियां अब हम पढ़ने वाले नहीं है। शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि उनपे कुछ जिम्मेदारियां कुछ भी पढ़ नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती तो सही है, थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि सही है जी। क्योंकि पहले जब 18 से नीचे की लड़कियों की जब शादी कर दी जाती थी जी, तो वो एक तो रोगी रह जाती थी जी, मतलब रोगों से ग्रस्त हो जाती थी। अब 21 वर्ष कर दी गई है ना, तो उनको रोगों से ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझ सकती है जी। गाँव स्तर पर तो ऐसा है कि गांव में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी जो सोच होती है वो गांव की होती है। तो सिटी में रहते हैं बंदे पढ़े लिखे नौकरी का, उनकी सोच अलग होती है। लड़कियों की जितनी पढ़ाई होने के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद जी, और जब उनकी शादी करिए तो वो सक्षम रहता है। परिवार टीवी, नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी है। हम आपके साथ फिर आज आए हैं। सही है, सही है, शादी होना अच्छी बात है जी। कम कर लड़कियों को बीमारी पैदा जी। पढ़ाई लिखाई में कोई फर्क देख रही हैं आप? पढ़ाई पूरी हो ही नहीं पाती थी जब कम उम्र में शादी हो जाती थी जी। अब हो पाएगी? अब हो पाएगी जी। सही है, सही है। लड़कियों की शिक्षा में क्या फर्क पड़ेगा और गांव की सोच में क्या फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा गांव की सोच में तो जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने का जो फैसला है सही है? सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि 18 साल की उम्र में कुछ सोचने की क्षमता कम होती है जी, वो पूर्ण कर्तव्य होना जरूरी है जी। 21 साल की उम्र में कुछ चीनी जितनी उम्र बढ़ती है उसमें कुछ सोचने की समझने की परिवार को चलाने की क्षमता बढ़ती है। समाज में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? समाज में बदलाव, कम उम्र में शादी करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, शरीर पर भी असर पड़ता है और कुछ परिवार चलाने की क्षमता कम होती है। बेटा, लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष जो की है सरकार ने, वो सही है या गलत है? क्यों सही मानते हैं बेटे आप? बिकॉज वो स्टडी नहीं कर पाती हैं जी, और हाँ उनको लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं स्टडी करने के, और वो वहाँ चली जाती हैं हाँ। तो उनको वहाँ पे स्टडी नहीं किया जाता है कि घर के कामों में लग जाती हैं इस वजह से। गलत है। गलत क्यों मानते हैं सर? थोड़ा तेज बोला। बच्चियाँ समाज के रास्ते से गलत चलती हैं, तो उस पर उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि जल्दी उनकी शादी कर दी, लेकिन ये बाध्य हो गए कि 21 वर्ष से पहले नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम। नहीं तो सर, अच्छा तो आपके नजरिए में गलत है ये कानून? सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष की है शादी के लिए, तो आपके नजरिए में ये फैसला सही है या गलत है? सही है, सही है। और का? तो ये बताइए, गांव में जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दो, जो सोच है उनकी है कि हाथ जल्दी पीले कर दो, तो आपका क्या कहना है? सही है फिर? सही है, का जब बच्चा सही है और पढ़े रहो है तो फिर बात। अम्मा आप बताइए, लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष करिए शादी के लिए सरकार ने, तो ये सही फैसला है गलत फैसला है? सही है, सही है जी। 18 साल का तो बच्चा अब इंटर बीए करते हैं, लड़की को का 18 साल ही कर ले जी हा? नहीं 21 वर्ष कर दी गई है शादी की उम्र, तो 21 सही कर दी है। सही है सही है। क्यों सही है? सही सही है। जी। नहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं ना, गलत ना कर, ये 21 और 22 का तो सही है, 25 सही है। हाँ सही। नहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में कि लड़कियों की शादी जितना जल्दी हाथ पीले कर दें उतना ही अच्छा है। गलत, हमारी निगाह में गलत जी, हमारी निगाह में गलत। तो आप क्या कहते हैं? आप एक लड़की हैं, आप बताइए। 21 साल से पहले कोई शादी नहीं करे तो अच्छा है। अच्छा है, अच्छा क्यों अच्छा मानते हैं बेटा आप? क्योंकि 18 साल की लड़की है, नाबालिग होती है, कोई फैसला ले नहीं सकती अपना। अच्छा आप बताइए बेटा, जो 21 वर्ष की है आप लड़कियां हैं तो ये आपके हित में है, आपके लिए सही है 21 वर्ष शादी का जो फैसला है? सही है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी हो जाती है जी। क्या नजरिया है? सही है। अच्छा क्यों सही मानते हैं सर? क्योंकि मान लो कोई गरीब कन्या है, वहाँ पैसा ना है तो कम से कम जी। सर आप बताइए, लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने का जो फैसला है
वो मेरे नजरिए से बिल्कुल गलत है। गलत है क्यों सर? इसलिए जी 18 वर्ष की लड़की पूरी तरह से परिपक्व होकर के शादी योग्य हो जाती है जी। अब 21 वर्ष तक बहुत सी तो कन्याएं ऐसी हैं कि जो 14 वर्ष में ही शादी योग्य हो जाती है, अगर उनको 21 तक रोक दिया जाए तो फिर मामला जो है थोड़ा मिसप्लेस हो जाता जी। सर आप बताइए, आप इस बात से कितने सहमत हैं 18 से 21 वर्ष जो उम्र की गई है? 18 से 21 तक सहमत इसलिए नहीं है कि लड़की जो है कम उम्र में शादी योग्य हो जाती है जी। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए भी तो कार्य कर रही है ना सर सरकार? हाँ, शिक्षा के लिए कर रही है जी, लेकिन ऐसा है कि बहुत सी लड़की जो यानी शिक्षा नहीं कर रही और वो इतनी उम्र तक पहुँच नहीं पाती है, तो फिर उनका क्या होगा? संस्कार के ऊपर। तो ये कदम सही है जी, धन्यवाद। बदलाव तो निश्चित है सर जी, तो लोग कहते हैं वो भी सत्य है क्योंकि हमारा अधिक रहते हैं। सही है सर। आप बताइए, लड़कियों की उम्र पहले शादी के 18 हुआ करती थी, अब 21 वर्ष की गई है, तो सही है ये? सही है है तो सर है, तो जी। समय के देखते हुए कुछ बदलाव आएगा? अच्छा किया सर, बहुत बढ़िया है। ये तो जनरेशन रुकेगी क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है जी लड़कियों के लिए, और लड़कियां आगे रहेंगी और देश हमारा आगे रहेगा, परिवार भी आगे रहेगा, दो परिवार जुड़े हुए होते हैं उनसे, अब आगे रहेगा। बहुत बढ़िया किया है सरकार ने, सोच तो कभी बदलती नहीं, सोच तो कभी बदलती नहीं चाहिए। ग्रामीण इलाकों में अभी हम घूमे हैं, लोगों से हमने बातचीत की है, और लोगों ने ये माना कि लड़कियों की जो उम्र 18 से 21 वर्ष की है उसमें लड़कियों की शिक्षा पे भी बदलाव आएगा, शिक्षा में भी बढ़ेंगी, और जल्दी शादी जब हो जाती है तो लड़कियों को जो स्वास्थ्य की परेशानी आती है उन परेशानियों से भी काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। लोगों की सोच बदली है और लोग जागरूक हुए हैं। अगर दो एक लोगों को छोड़ दें, 1% लोगों को छोड़ दें, तो सरकार का ये जो फैसला है 18 से 21 वर्ष लड़कियों की उम्र शादी के लिए करना सही मानता है, और ये समाज के हित में माना गया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे किसी नए टॉपिक पर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए परिवार टीवी। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।